लेट स्टार्ट सेप्टेंबर ट्वेंटी वन से चालू कर देंगे आओ सीएम वन का सेप्टेंबर ट्वेंटी वन पेपर उसमें जो पहला क्वेश्चन है अ टेन ईयर यूनिट लिंक कॉन्ट्रैक्ट हैज द फॉलोइंग प्रॉफिट सिग्नेचर बिफोर एनी नॉन यूनिट रिजर्व आर क्रिएटेड इज द नेगेटिव कैश फ्लो इग्नोर इंटरेस्ट एंड मोर्टेलिटी तो मोर्टेलिटी और इंटरेस्ट को इग्नोर करना है और इसको हम लोग को जीरो करना है तो क्या होगा एंसर में बताइए एंसर में क्या आएगा बताइए अगर हम लोग पीछे से जाएंगे तो यहां पर आएगा वन वन फिर हम माइनस वन को कर देंगे जीरो है ना जीरो का रहेगा जीरो फिर माइनस वन को कर देंगे जीरो तो कितना माइनस वन हो गया कितना माइनस वन हो गया बताओ हम लोग को तो जीरो आइज करने बोला है दो माइनस वन हुआ फिर दो प्लस वन है तो जीरो 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 ठीक है दो माइनस और दो प्लस एडजस्ट हो गया फिर एक वन आएगा फिर माइनस वाला जीरो होगा ठीक है और ये वाला जीरो हो जाएगा ये चेक कर लो ये चेक कर लो ठीक है सबको कुछ भी नहीं करना था इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे पी एफ ए सी 20 मोर्टैलिटी टेबल है और उसमें हम लोग को यह चीज को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर टू में सो so, म्यू में तो क्या करेंगे बताइए म्यू में क्या करते हैं फिफ्टी फाइव को जल्दी बोलो म्यू में क्या करते हैं फिफ्टी फाइव प्लस म्यू सिक्सटी फिर फाइव पी फिफ्टी फाइव तो इसमें क्या करेंगे फाइव पी फिफ्टी फाइव इंटू फाइव पी जल्दी बोलो बोलो फाइव पी फिफ्टी फाइव और फाइव पी सिक्सटी ठीक है सबको हां टू क्यू सिक्सटी वन सिक्सटी टू क्यू सिक्सटी वन सिक्सटी कैसे सॉल्व होगा टू क्यू सिक्सटी वन सिक्सटी कैसे सॉल्व होगा क्यू सिक्सटी वन सिक्सटी सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू टू क्यू सिक्सटी सिक्सटी ठीक है सो दिस इज वॉट हाफ इंटू वन माइनस टू पी सिक्सटी सिक्सटी विच इज टू पी सिक्सटी का स्क्वेर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पहला दो क्वेश्चन देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन है इसमें तीन और चार सात नंबर तो बहुत इजी था ठीक है तेरा नाम क्या है ठीक अभी तुम वर्किंग है ना वर्किंग कहां पर अच्छा ठीक है आइए इसके पहले सीएम बनी था क्या हाँ ठीक कल जो कर रहे थे एक्सरसाइज मंडोला आइए थ्री में आइए सेप्टेंबर 21 का पेपर है तीन नंबर पे आइए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूजेस द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूजेस द फॉलोइंग मल्टीपल स्टेट मॉडल टू प्राइस इट सिकनेस पॉलिसी ठीक है डिस्क्राइब इन वर्ड वॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीरियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ठीक है सो so पहला क्या है सिकनेस बेनिफिट है इन ऑल पार्ट वी आर कैल्कुलेटिंग ईपीवी एंड द लाइफ इज हेल्दी एट टी जीरो एक्स फोर्टी टू थाउजेंड पर एन एम पेबल कंटिन्यूअसली वेन द लाइफ इज इन दिक्कत स्टेट फॉर द फर्स्ट एंड एनी सब्सिक्वेंट बाउट ऑफ सिकनेस मैंने जब जब वो सीख होगा तब तक पैसा मिलेगा करेक्ट है जब जब वो सीख होगा तब तक पैसा मिलेगा उसके बाद क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ हेल्दी पे एच एच बार है ना वन थाउजेंड पर आनाम पेबल कंटिन्यूअसली वेल द लाइफ रिमेन्स इन देल्दी स्टेट दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस वन द लाइफ लीव द हेल्दी स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम समझा और बीस साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो बीस साल या फिर जब वो पहली बार हेल्दी स्टेट छोड़ेगा क्योंकि एच एच बार है एच एच बार का मतलब क्या होता है कि वो यहां पर तो हेल्दी है वो यहां हेल्दी स्टेट छोड़ देगा फिर वो यहां सिक हो गया यहां तक सिकता फिर यहां हेल्दी नहीं यहां नहीं मिलेगा ये सब कहीं नहीं मिलेगा यहां से यहां तक ही मिलेगा ओनली एच एच बार का मतलब क्या होता है सिंस ट्रिप इज पॉसिबल फर्स्ट पीरियड ऑफ कंटिन्यूस हेल्दीनेस बस और कुछ नहीं मिलेगा ठीक है उसके बाद हम लोग को बोल रहे हैं हेल्दी से मर गया हेल्दी से सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी हेल्दी से सिक हो रहा है और फिर सिक्स से वो डेड हो जा रहा है क्योंकि न्यू बोला है ना सो बेसिकली इसमें क्या बोलेगा वो लोग इसमें बोलेगा ट्वेंटी थाउजेंड लमसम पेबल ये टेम्पोर टर्म है क्योंकि बीस साल का लिमिट है बीस साल के पहले के मरेगा तो भी पैसा मिलेगा वरना पैसा नहीं मिलेगा बहुत ईजी था ये वाला ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री इज वेरी सिंपल मैंने इसमें एस कुछ भी नहीं है अब आइए फोर में आइए कंपनी हैज अग्रीड टू बिल्ड एंड ऑपरेट A company has agreed to build and operate a ferry service for a regional government. The company will invest 10 million at the outset and a further 8 million after one year. So, what is in question number 4? What is question number 4? Time 0 pe kya hoga? minus 10 and 1 pe kya hoga? minus 8. The ferry will then come into operation and the company will receive payments at the end of each year. The first payment occurring at the end of the second year of the project. द फेरी विल देन कम इन टू ऑपरेशन एंड द कंपनी विल रिसीव पेमेंट्स एट द एंड ऑफ इच इयर द फर्स्ट पेमेंट ऑकरिंग एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ दी प्रोजेक्ट ठीक है द अमाउंट ऑफ पेमेंट एट द सेकेंड इयर विल बी फोर मिलियन तो सेकेंड ईयर के एंड पे कितना मिलेगा सेकेंड ईयर के एंड पे मिलेगा फोर मिलियन एंड इंक्रीजिंग बाय जीरो पॉइंट फाइव मिलियन इन ई सब्सिक्वेंट इयर एंटिल द एनुअल पेमेंट इज सेवन मिलियन So, पहला में क्या होगा 3.5 पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन थ्री पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू टू राइट सो थ्री पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू एन इज वॉट सेवन तो एन इज वॉट थ्री पॉइंट फाइव बाय जीरो पॉइंट फाइव विच इज सेवन ईयर्स तो पहला पेमेंट मिल रहा है मेरे को दूसरा साल का एंड पे राइट right? सो so, दूसरा साल का एंड इज एन इज वन एन इज वन दिस विल बी प्लस वन एट ईयर्स मैंने टाइम एट पे मेरे को मिलेगा सेवन बोलने का मतलब यह है ठीक है वेन द पेमेंट ओके आफ्टर विच द पेमेंट विल रेड्यूस बाई वन मिलियन ईच ईयर ठीक है यह भी सही है सो नाइन पे हो जाएगा सिक्स ये तो मैनुअली कर लेंगे टेन पे हो जाएगा फाइव इलेवन पे हो जाएगा फोर ट्वेल्व पे हो जाएगा थ्री थर्टीन पे हो जाएगा टू फोर्टीन पे हो जाएगा वन बस

थ्री पॉइंट फाइव ए सेवन प्लस जीरो पॉइंट फाइव आई ए सेवन है ना ये वाला पूरा हो गया यहां तक फिर उसके बाद सिक्स को कैसे लिखेंगे बताओ सेवन माइनस वन इंटू वन और यहां पर क्या आएगा सेवन माइनस वन इंटू सिक्स तो अब हम लोग टाइम एट पे खड़े हो जाएंगे प्लस वी टू दावर एट तो क्या हो जाएगा सेवन ए सिक्स माइनस माइनस आई ए सिक्स चेक करिए इसको वो लोग क्या किया है यहां से ले लिया है बट हम लोग सेवन को यहां पर ले लिया बात एक ही है तुम लोग कैसे भी कर सकते हैं इसको मैंने सात यहां तक ले लिया है मैंने सात यहां तक ले लिया है मतलब मैंने फोर को लिखा था देखो ना ये समझ आ गया ना तुम लोग को ये तो बहुत सिंपल था यार इसमें कुछ भी नहीं था भयवान करें ऐसा टाइप का कुछ आ जाए सो थ्री पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू वन सो डॉट 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 थ्री पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव इंटू सेवन तो सात हो रहा है ये हो रहा है तुम्हारा टू थ्री डॉट 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 ये एट पे हो रहा है नहीं <laughs> टाइम एट पे सेवन का पेमेंट हो रहा है ठीक है फिर नाइन से क्या कहानी चालू हो गया सेवन माइनस वन इंटू वन सेवन माइनस वन इंटू टू डॉट 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 सेवन माइनस वन इंटू सिक्स सो नाइन पे वन है नाइन पे वन है तो गैप एट का है तो सिक्स प्लस एट इज फोर्टीन इस तरीके से सोच सोच के करना पड़ेगा ठीक है क्लियर हो गया आप इसको निकाल लेना आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए सितंबर ट्वेंटी वन का पेपर है क्वेश्चन नंबर फाइव पे आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पे आइए एन इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू पे फर्स्ट डिविडेंटली टू ईर्स टाइम ठीक है इट इज डिविडेंड विल बी जीरो पॉइंट टू पर शेयर सो ये जीरो है टू पे जीरो पॉइंट टू ठीक है सब्सिक्वेंट एनुअल डिटर टू ग्रो एट सिक्स परसेंट पर एनम फॉर दिंग टेन ईयर्स एंड एट थ्री परसेंट कंपानेट परपेचुटी ठीक है प्राइस निकालना है सात परसेंट पे पुल बैक करना है क्या क्वेश्चन दिया सात नंबर का क्वेश्चन है ये ठीक है सो so, देखो कैसे करेंगे इसको बताइए जीरो पॉइंट टू वी स्क्वायर प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू बोलो वन पॉइंट जीरो सिक्स वी क्यू प्लस डॉट 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 अब बोला है ग्रो एट सिक्स परसेंट फॉर फॉलोइंग टेन इयर्स सो ये पहला ग्रोथ हुआ ठीक है प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दावर टेन वी टू वन में थ्री है यही तो प्रॉब्लम है ना वन पे थ्री है तो गैप कितने का हो टू का गैप होगा यही प्रॉब्लम है ठीक है ये हो गया फिर इसके बाद में बोल रहा है प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दर टेन वन पॉइंट जीरो थ्री है ना वन पॉइंट जीरो थ्री वी टू दर थर्टीन प्लस <coughs> <दिक्ष्ण तुण। coughs> वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दी पार टेन 1.03 का स्क्वायर ठीक तो है, इस है। तो इसमें 11 टर्म्स है इसमें 11 टर्म्स है ठीक है सो क्या हो जाएगा ए One minus R to the power N by one minus R plus A. ठीक है सॉल्व कर लीजिए इसको गलती लेकिन यही सब क्वेश्चन में होगा अगर हम लोग गड़बड़ कर देंगे तो यही सब क्वेश्चन में गलती हो जाएगा हम्म वन इंटू वन माइनस आर ए बाय वन माइनस आर हाँ हाँ वही तो किया है एक्चुअली अगर तुम कॉमन लोगे तो कॉमन में क्या आएगा ये पूरा चीज ही कॉमन में आएगा वन प्लस तो वन बाय वन माइनस आर ए बाय वन ए इज वन ठीक है छह नंबर पे आइए इज इश्यूड एट टाइम जीरो सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन में आज है अंजलि नयन प्रिश्ता रिनीशा हर्षित मिताली यश ननिका डॉली सीमा तीर्थ हेतवी एंड तनीशा अ बॉन्ड इज इशूड एट टाइम जीरो प्राइस ऑफ इतना द बॉन्ड पेज कूपन सिक्स परसेंट एंड विल बी रिडीम्ड एट पार इन थ्री इयर्स ठीक है सो so, बॉन्ड का प्राइस सब कुछ दे दिया है टू ईयर पार ईयर ऐसा सब दे दिया है वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर सो हम लोग को क्या क्या दे दिया है प्राइस दे दिया है बॉन्ड पे स्कूपन सिक्स परसेंट द टू ईयर पार ईल भी दे दिया है द वन ईयर फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम वन इज इतना टू ईयर पार ईल का मतलब क्या होता है हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव वन जीरो सिक्स पॉइंट फाइव वन प्लस वाई टू का स्क्वायर ठीक है द वन ईयर फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट टाइम वन तो फिर इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा तो फिर यहां से हम लोग लिखेंगे वन प्लस एफ जीरो वन प्लस एफ जीरो वन प्लस एफ वन एफ तो वन मेरे को दे दिया है, ठीक है एफ वन दे दिया तो एफ जीरो निकल जाएगा एफ वन दे दिया तो एफ जीरो निकल जाएगा ना तो यहां से एफ जीरो निकल गया मतलब वाई वन निकल गया वाई वन निकल गया मतलब वाई टू निकल जाएगा क्योंकि एफ वन दिया है वाई टू के लिए क्या करेंगे वन प्लस वाई टू का स्क्वायर ठीक है वाई टू निकल गया तो वाई थ्री निकल जाएगा वाई थ्री कैसे निकलेगा ऊपर वाला को खोलेंगे पूरा वन जीरो सेवन पॉइंट सिक्स जीरो इज इक्वल टू सिक्स बाय वन प्लस वाई वन प्लस सिक्स बाय वन प्लस वाई टू का प्लस वन जीरो सिक्स बाय वन प्लस वाई थ्री का क्यूब तो वाई थ्री निकल जाएगा क्लियर है तुम कल कौन सा क्वेश्चन बोली थी सितंबर में ग्यारह नंबर पे आइए ठीक है ग्यारह नंबर पे आइए ये सब क्यू फॉर्म पे अपडेट हो जाएगा सारा अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ 15 ईयर विद प्रॉफिट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टू अ लाइफ एज 50 सो एक्स हम लोग का 50 है एन एम लोग का 15 है एंड इंश्योरेंस है विद प्रॉफिट है ठीक so, है प्रीमियम सब एबल मंथलीस फिफ्टीन ईयर पेबल एट द एंड ऑफ द द ईयर ऑफ ऑफ डेथ और एट एंड द टर्म सो ईओ वाईओ डी पॉलिसी है

तो चौदह बोनस और अगर जी जाएगा तो पंद्रह बोनस इनिशियल एक्सपेंस सिक्सटी परसेंट ऑफ द एनुअल प्रीमियम इनकर्ड एट दी पॉलिसी कमेंसमेंट रिन्यूअल एक्सपेंसिस दे दिया तो कैसे सोल्व करेंगे इसको बताइए क्वेश्चन बताइए छह हजार एड यू नहीं समेश्वर्ड नहीं नहीं एक मिनट आपने को क्या बोला वेस्टिंग एट दी एंड है ना तो एक बार इमेजिन करो पहला साल में होगा तो एस फिर अगर दूसरे साल में होगा तो एस इंटू वन पॉइंट जीरो वन वैसे करके आएगा ना तो अपने डिवाइड करेंगे सो दिस इज इक्वल टू एस बाय 1.0192308 और एंड ऑफ इफ देता है तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं सो ए फिफ्टी वन फिफ्टीन हो जाएगा एट द रेट फोर परसेंट हो जाएगा प्लस मेचोरिटी बेनिफिट आएगा सो एस इंटू वन पॉइंट जीरो वन नाइन टू थ्री जीरो एट वी ठीक है सितंबर 21 का पेपर कर रहे क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है इसके बाद में जो छह का जो प्रीमियम है इसका 60 परसेंट बोला है और जो छह का जो प्रीमियम है उसका चार परसेंट बोला है बट बोला है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए क्या बोला है फोर परसेंट ऑफ द एनुअल प्रीमियम इनकर्ड एनुअली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स सो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स का मतलब क्या होता है एडीयू फिफ्टी फिफ्टीन ट्वेल्व माइनस एड यू फिफ्टी अच्छा रिन्यूअल के लिए अच्छा फोर परसेंट ऑफ द एनुअल प्रीमियम बोला है एनुअल बोला है, तो फिर माइनस में वन होगा हाँ तो मतलब पूरा साल का जो प्रीमियम है रिन्यूअल लेकिन साल में एक ही बार लगेगा चार परसेंट सेकेंड ईयर से लगेगा वो ट्वेल्व नहीं होगा मैं भूल से लिख दिया फिफ्टीन माइनस वन हाँ बोलो वो जब होगा बोलेगा चार परसेंट ऑफ एवरी प्रीमियम फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स एनुअल नहीं बोलेगा एनुअल वर्ड अगर मिसिंग होता तो अपने करते ए डी यू फिफ्टी फिफ्टीन ट्वेल्व माइनस एडियू फिफ्टी वन ट्वेल्व पहला साल का माइनस करते ठीक है बट यहां पर एनुअल वर्ड मेंशन कर दिया मतलब दे हैव मेड इट है तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर इसके बाद में अज्यूम दैट द पॉलिसी होल्डर परचेज द बेसिकर नाइंटी थ्री थाउजेंड डिमोन्स्ट्रेट दट दल इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दट द पॉलिसी होल्डर विल अर्न ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट survive to the end of 15 years, is at least इतना परसेंट इज एटलीस्ट इतना परसेंट मतलब क्या हो रहा है हो क्या रहा है इसमें ध्यान देना हो क्या रहा है इसमें ध्यान देना अपने छह हजार करके पैसा दे रहे पंद्रह साल तक मंथली इन एडवांस ठीक है और इसको नाइन्टी थ्री थाउजेंड मे को मिलेगा क्या बोलते हैं बेसिक समएश्योर्ड विथ प्रीमियम इतना बेसिक समएश्योर्ड ऑफ नाइन्टी थ्री थाउजेंड with the थ द डेमोस्ट्रेट दी of रेट ऑफ will earn on this contract देखो बोनस एक ऐसा चीज है ना जो मिलेगा नहीं मिलेगा श्योर नहीं है विथ प्रॉफिट है प्रॉफिट होगा तो बोनस देगा प्रॉफिट नहीं होगा तो बोनस नहीं देगा एटलीस्ट फोर पॉइंट बोला है ना इसलिए बोनस इंक्लूड नहीं किया बोनस देगा तो रिटर्न ज्यादा आएगा वो ठीक है बट एक बार मिनिमम लॉस हो प्रॉफिट हो बीएसए तो देगा ना चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो बेसिक समय शॉर्ट तो देगा इसलिए 93,000 को लेके कर रहा है यहां सर्वाइव टू तो बोलो तो वो तो बोल ही दिया है पॉलिसी होल्डर विल अर्न इफ दे सर्वाइव टू 15 इयर्स नहीं 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 इफ इफ दे सर्वाइव ये एक पर्टिकुलर केस बोल रहा है केस क्या बोलता है कि पंद्रह साल मैं छह हजार करके दे रहा हूं मंथली एडवांस यहां पर 93,000 थ्री थाउजेंड मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा तो मेरा कितना रिटर्न आ रहा है मेरा कितना रिटर्न आ रहा है अगर मैं सर्वाइव करूंगा तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्यों आएगा प्रोबेबिलिटी तब आता है जब बोलता है कि आप बताइए एक्सपेक्टेड आपका अक्यूमुलेशन कितना होगा यहां पर क्या बोल रहा है हर वो सर्वाइवर मेरा बात समझो यहां पर एक पर्टिकुलर आदमी का बात हो रहा है एक पर्टिकुलर आदमी जो पंद्रह साल जी लेगा उसको मिनिमम नाइन्टी थ्री थाउजेंड तो मिलेगा ही मिलेगा उसको मिनिमम कितना रिटर्न आ रहा है अगर वो छह हजार करके पंद्रह साल दे रहा है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तब यहां से इसमें डाल दो ना डाल देने से आंसर आ जाएगा सॉल्व नहीं करना है इसको जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि मिनिमम हंड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट भी जितना अब इसमें दो ध्यान देने वाला बात क्या है एक तो बोनस नहीं लिया है बोनस क्यों नहीं लिया बिकॉज बोनस श्योर नहीं है और दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी क्यों मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने से होता है मजा ही खत्म हो जाएगा आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पांच साल बाद मेरा वर्ग पच्चीस करोड़ रुपया होगा तो उस समय ये तो अगर मैं पांच साल जीऊंगा तभी तो ये तो इंप्लाइड है कि मैं पांच साल जीऊंगा तो होगा वो चीज अब मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का बात हो रहा है इन्वेस्टमेंट का रिटर्न में प्रोबेबिलिटी क्यों मल्टीप्लाई होगा एक्सप्लेन बाय द कॉन्ट्रैक्ट में भी अट्रैक्टिव टू पॉलिसी होल्डर्स इन स्पाइट ऑफ द लो लेवल ऑफ द मिनिमल ये बेसिकली uh, ये अट्रैक्टिव क्यों है अट्रैक्टिव क्यों है बिकॉज उसको हो सकता है थोड़ा ज्यादा मेच्योरिटी बेनिफिट मिले एक्सपेक्टेड मेच्योरिटी बेनिफिट क्या है 93,000 थ्री थाउजेंड इंटू वन पॉइंट जीरो वन नाइन टू थ्री जीरो एट टू दी पर फिफ्टीन दिस इज एक्सपेक्टेड वो द हायर मेच्योरिटी बेनिफिट विल गिव अ हायर रिटर्न सर्वाइवल बेनिफिट होने से वो लोग को ऐसा लगता है कि भाई मेरा अगर कोई लोन वगैरह है तो वो हम रिपे कर देंगे ठीक है दिस पॉलिसी में भी ऑब्लिगेटरी आज जैसे क्या होता है जनरली बैंक का श्योरेंस क्या होता है बैंक का श्योरेंस बैंक का श्योरेंस क्या होता है हर इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग चैनल का यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आज मान लो तुम क्या किया तुम्हें होम लोन लिया तुम्हें होम लोन लिया तुम होम लोन लिया तो बोलता है आपको लोन तभी देंगे जब आप एक करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराएंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है बैंक अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है वो तो ठीक है बट इसके पीछे का रिस्क मैनेजमेंट लॉजिक क्या है कि भाई अगर तुमको कुछ हो गया तो बैंक का ई कौन देगा तो अगर मान लो तुम एक टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता है तो उससे तुमको एक करोड़ रूपया मिलेगा फिर पांच करोड़ रूपये मिलेगा अगर मान लो तुम बैंक से लोन लिया पांच करोड़ का तो तुमको बोलेगा सर आप तीन चार करोड़ का करा लीजिए नहीं तो मैं नहीं सक पाऊंगा क्यों नहीं करता है, इसका रीजन है भाई तुम्हारा अगर मान लो तीन चार करोड़ रुपए आएगा वहां से तो बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा बैंक को उतना ओपन मार्केट में जाके बेचना नहीं पड़ेगा प्रॉपर्टी को हो सकता है प्रॉपर्टी कम दाम में बिके डिस्ट्रेस सेलिंग हो जाए दो करोड़ का प्रॉपर्टी हो सकता है एक करोड़ में डेढ़ करोड़ में बिक जाए ठीक है समझ रहे आज ये जो प्रॉपर्टी है जहां तुम लोग बैठे इस प्रॉपर्टी का दाम तीन करोड़ रुपए है बट आई गॉट इट फॉर टू करोड क्यों उस समय कोविड था किसी के पास पैसा नहीं था लेकिन मेरे पास था मैं खरीद लिया ठीक है तो ये लॉजिक क्या है ये लॉजिक ये है कि भाई तुम होम लोन के साथ में एक टर्म इंश्योरेंस या फिर इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट लो ठीक है वो चीज बोल रहा है दिस पॉलिसी में भी चीपर देन अदर्स ऑन द मार्केट इन एडिशन टू द सर्वाइवल बेनिफिट द पॉलिसी होल्डर विल रिसीव डेथ कवर ठीक है ये सब रीड करना पड़ेगा अच्छे से ड्यूरिंग ईच ऑफ दर्स्ट फाइव इंस ऑफ द द कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस दिक्लेर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस फाइव परसेंट ठीक है द प्रोस्पेक्टिव ग्रॉस रिजर्व एट दी एंड ऑफ द दिफ्थ ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ग्रॉस बोला है तो पांच साल तो अपने इस पे जोड़ेंगे फिर आगे का जो रेट बोला उस पर जोड़ेंगे ठीक है सो so, कैसे करेंगे ध्यान देना समय अपना कितना हो जाएगा 93,000 को अपने अक्यूमुलेट करेंगे पांच परसेंट सो वन पॉइंट जीरो फाइव टू दी पार फाइव ये कितना हो जाएगा एक लाख अट्ठारह हजार सिक्स फोर बाकी सब चीज सेम रहेगा एक लाख अट्ठारह हजार सिक्स फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो वन नाइन टू थ्री जीरो एट ए पांच साल बीत गया तो कितना हो गया फिफ्टी फाइव टेन वन फिर प्लस एक लाख अट्ठारह हजार सिक्स फोर इंटू वन पॉइंट जीरो वन नाइन टू थ्री जीरो एट वी होल टू दिन पी फिफ्टी फाइव ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग को बोला है चार परसेंट का हम लोग का छह हजार का वो लगेगा एड यू फिफ्टी फाइव टेन ठीक है एंड अल्टीमेटली यहां पर ऐसा नहीं कर, अच्छा ये तो इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता प्रीमियम सॉरी ये प्लस ही करना पड़ेगा क्योंकि ये एनुअल है और माइनस में जो प्रीमियम है छ हजार का वो मंथली है बोलिए ठीक है ये वाला जो है ना ये चार पे होगा वो जो बोलेगा वही होगा मैंने जो रेट दिया हुआ था वन पॉइंट जीरो वन नाइन टू हाँ क्वेश्चन नंबर सेवन पे आइए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज रिवर्सनरी एनविटी पॉलिसी टू अ मेल एंड अ फीमेल बोथ एग्जैक्ट फिफ्टी फाइवी फाइव रिवर्सनरी एनविटी तो एक्स कितना दे दिया मेरे को सिक्सटी फाइव बेसिस दे दिया पीएमए पीएफए ठीक है एक्सपेंसेस दे दिया है इनिशियल 250 फिफ्टी रिन्यूअल थ्री परसेंट ऑफ इच एनविटी पेमेंट इंटरेस्ट चार परसेंट द एनविटी ऑफ थर्टी थाउजेंड पेबल द फर्स्ट डेथ एंड द पेमेंट सीज ऑन द डेथ ऑफ द सेकेंड लाइफ और ऑन द फिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ द पॉलिसी इंसेप्शन इफ अर्लियर बहुत सिंपल है तो क्या बोल रहा है इसमें जीरो से फिफ्टीन एक्स यहां मर गया तो यहां से यहां मिलेगा राइट right? मैंने बोल रहा है और ऑन द फिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ पॉलिसी इंसेप्शन ई फॉर लियर तो कंडीशन है कौन सा केस हुआ ये बताओ और इसमें दो बनाना पड़ेगा एक से नहीं चलेगा क्योंकि बोला फर्स्ट ऑफ द लाइफ टू डाई तो एक्स मर गया बाई को मिलेगा बाई मर गया एक्स को मिलेगा तो इसमें दो बनाना पड़ेगा ये बहुत सिंपल है ये स्टैंडर्ड है कौन सा केस हुआ फटाफट से बताइए बोलिए कैसे करेंगे पूरा पंद्रह साल माइनस वो पीरियड जिसमें वो लोग दोनों जिंदा था तो कैसे सॉल्व होगा दिस इज आई गेस केस टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग केस टू चेक करो क्या बोलता है चेक करो ए सिक्सटी फाइव फिफ्टीन अरियर्स में बोला है क्या चेक करो तो मंथलीन अरियर्स ये मेल का हो गया माइनस ए सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव फिफ्टीन ट्वेल्व ये पहला हो गया ठीक है फिर उसके बाद में प्लस ए सिक्सटी फाइव फिफ्टीन ट्वेल्व फीमेल माइनस ए सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव फिफ्टीन टवेल्व समझ गया ना पूरा पंद्रह साल मेल का माइनस वो पीरियड जब दोनों जिंदा था पूरा पंद्रह साल फीमेल का माइनस वो पीरियड जब दोनों का ही लेना पड़ेगा ना बिकॉज ऐसे बोले कि मेल के मरने पे फीमेल को या फिर फीमेल के मरने पे मेल को अगर ऐसा बोलता कि मेल के मरने पे फीमेल को तो क्या करते है? ये वाला मेल के मरने पे फीमेल को मेल के मरने पे फीमेल को अगर बोलता तो पूरा फीमेल माइनस वो टाइम पीरियड जब दोनों जिंदा थे ठीक है ये केस टू हुआ ना चेक करो रिवर्सनरी एनविटी का इसी में खत्म नहीं हो रहा है ये जो है तीस हजार का मेरा वो है एनवीटी है इसका तीन परसेंट एक्सपेंस है इनटू यहां से जो आएगा ईपीवी ठीक है फिर उसमें हम लोग ऐड करेंगे टू फिफ्टी का एक्सपेंस और वो मेरा आएगा जाके सिंगल प्रीमियम मैंने पूरा पंद्रह साल मेल का एनविटी माइनस वो पीरियड जब दोनों जिंदा थे पूरा पंद्रह साल फीमेल का एनविटी माइनस वो पीरियड जब दोनों जिंदा थे ठीक है इनमें से दोनों में से होगा तो कोई एक ही बट लिखना तो दोनों को ही पड़ेगा थर्टी थाउजेंड पेबल मंथलीस क्वेश्चन नंबर एट देखो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एट एनी टाइम टी मेजर्ड इन ईयर्स हम लोग को दे दिया है अक्यूमुलेशन का वो दे दिया है तो ये तो बहुत सिंपल है यार अक्यूमुलेशन फैक्टर निकालना है सो ए जीरो से टी पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से टी जीरो पॉइंट जीरो सिक्स प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू एस होल इंटू डी एस ये सॉल्व कर लेना फिर दूसरा वाला में क्या होगा इसमें निकालेंगे ए जीरो टू सिक्स तो दूसरा वाला में जो ए जीरो से टी होगा उसमें करेंगे ए जीरो टू सिक्स इंटू ए सिक्स टू टी सो दूसरा वाला से क्या निकालना पड़ेगा ए सिक्स टू टी सो एक्सपोनशियल इंटीग्रेशन सिक्स टू टी जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन एस होल इन टू डी एस ये पहला पार्ट हो गया फिर बोल रहे सिक्स हंड्रेड इज इन्वेस्टेड एट टाइम थ्री एंड अ फर्दर नाइन हंड्रेड इन्वेस्टेड एट टाइम नाइन कैलकुलेट अक्यूमुलेटेड अमाउंट एट टाइम थर्टीन सो दूसरा वाला क्या है चार से ओ ओ एक मिनट रुको चार पे ब्रेकअप है एक मिनट चार पे है ना ब्रेकअप सॉरी ए जीरो टू फोर निकालेंगे जीरो टू फोर निकालेंगे मैंने इसमें फोर डालेंगे पुटिंग फोर फिर हम लोग निकालेंगे ए जीरो से टी दूसरा वाला के लिए तो ए चार पे ब्रेकअप एमरेली सॉरी मैं छह देख लिया एक्चुअली ठीक है ना अब ठीक है तो ठीक है अब जैसे क्या होगा ध्यान दो अब देखो मेरे अक्यूमुलेशन फैक्टर को मेरे को यूज करना है इधर देखो इसका जो पार्ट टू है मेरे को इसमें दो तीन चीज चाहिए एक तो मेरे को चाहिए ए थ्री टू थर्टीन और एक मेरे को चाहिए ए नाइन टू थर्टीन यही चाहिए मेरे को सो दिस विल बी वॉट एक् ए जीरो टू थर्टीन बाय ए ठीक है ए जीरो टू थर्टीन बाय ए जीरो टू नाइन अब देखो जीरो टू थर्टीन डालेंगे दूसरा वाला में ये डालेंगे पहला वाला में ये डालेंगे दूसरा वाला में ये डालेंगे दूसरा वाला में क्लियर हो गया इस तरीके से यूज करके निकालेगा तो पूरा नंबर मिलेगा कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द ईल्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट ईल्ड कैसे निकालेंगे ईल्ड कैसे निकालेंगे हा जैसे देख ईल्ड अट कैल्कुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द ईल्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिस्क्राइब्ड इन पार्ट टू एक्सप्रेस दस एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ पर मंथ बोला है तो एक इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं दस साल के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं चार साल के लिए कर रहा हूं सो so, अपने क्या बोलेंगे छह सौ को जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं छह सौ को जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वन प्लस जे दस साल में एक सौ बीस महीना प्लस कर रहा हूं नौ सौ का इन्वेस्टमेंट वन प्लस जे कितना महीना के लिए फोर्टी एट मंथ के लिए और जो मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू आया था टाइम थर्टीन पे राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा इसको द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज नेगेटिव फॉर ऑल टाइम्स आफ्टर एट सो द नाइन हंड्रेड डीजेस इन वैल्यू फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑनवर्ड्स वेर एज द दिक्स हंड्रेड पीरियड एंड देन डिक्रीजेस द द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट डिक्रीजेसलेटेड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिटर्न रफली टू द ओरिजिनल अमाउंट क्योंकि यहां पर देखो जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस है ना अरे चार से बड़ा के लिए देखो जो अपने को डेल्टा डी का जो इक्वेशन दिया है वो तो क्या दिया है पहले में तो बढ़ रहा है फिर बोलता है जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन टी है ना सो आप टी के जगह में एट डालो तो क्या आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू एट सो ये तो जीरो आ गया फिर आप नाइन डालो सो नाइन पे क्या आएगा टेन डालो तो बेसिकली क्या बोल रहा है आठ के बाद जो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है वो गिर रहा है सो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है नौ सौ का और छह सौ का तो पंद्रह सो हो रहा है ना आपका जो अक्यूमुलेटिव वैल्यू आएगा वो इसके आसपास ही आएगा मैंने करके देखना पड़ेगा तो वही वो, वो लोग बोल रहे हैं कि क्यों बढ़ा क्यों नहीं क्योंकि आठ के बाद तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है छह सौ का जो इन्वेस्टमेंट किया टाइम थ्री पे वो आठ तक बढ़ा फिर वो भी गिर रहा है और नौ सौ का तो इन्वेस्टमेंट किया टाइम नाइन पे तो वो तो गिर ही रहे ठीक है अब देखा यहां पर बहुत ज्यादा हैवी इंटीग्रेशन नहीं है बट इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ये लोग चेक कर लिया मेन मेन आपको मैं बता रहा हूं कॉम्पीटिंग रिस्क और फोर्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन है ये जो है ना वो इस टाइप से ही आएगा नाइन में आओ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज थर्टी ईयर प्योर एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज ग्रुप ऑफ लाइव एज एक्सैक्टली थर्टी सो एन मेरा कितना है एक्स मेरा कितना है प्योर एंड डॉमेंट है ठीक है समेश्वर अपना कितना है ठीक है उसके बाद में प्रीमियम्स ऑन द पॉलिसी पेबल एंड एडवांस फॉर थर्टी ईयर ठीक है टू देथ ज्यूरिंग द ट्वेंटी फिफ्थ पॉलिसी ईयर सो दे अपना कितना हो गया टू किस पॉलिसी ईयर का बात कर रहा है ट्वेंटी फिफ्थ ईयर का बात कर रहा है ठीक है एंड द नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स एट द एंड ऑफ दैट ईयर तो अपने क्या करना पड़ेगा ट्वेंटी फोर्थ ईयर के एंड पे कितना हो जाएगा टू प्लस थ्री वन फाइव ठीक है देवे नो अदर एग्जिट कैलक्युलेट ऑल वर्किंग मोटरलिटी प्रॉफिट लॉस ए एम नाइनटी टू अल्टीमेट फोर परसेंट सो इसका सबसे पहले डीएसईआर निकालेंगे ना सो so, डीएसआर क्या हो जाएगा जीरो माइनस वी ट्वेंटी फाइव V25 में क्या आएगा बताइए जल्दी बोलिए V25 में क्या आएगा V25 में क्या आएगा बताइए सबसे पहले इसमें हम लोग को प्रीमियम निकालना पड़ेगा सबसे पहले प्रीमियम निकालने के लिए करेंगे P ADU थर्टी थर्टी क्यों भैया ट्वेंटी फिफ्थ ईयर बोला है ट्वेंटी फिफ्थ ईयर बोला है तो ट्वेंटी फाइव जिस साल का बोलता है साल के एंड का करेंगे ना फिफ्टी थाउजेंड वी टू दी पर थर्टी थर्टी पी थर्टी तो यहां से मेरा पी आ जाएगा पी मेरा यहां से आएगा आठ सौ बारह पॉइंट फोर जीरो फिर रिजर्व निकालेंगे सो रिजर्व जो आएगा मेरा वी ट्वेंटी फाइव

बेसिकली दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग इन द ट्वेंटी फिफ्थ ईयर ठीक है एक्चुअल डेथ स्ट्रेन कैसे आएगा एक्चुअल डेथ स्ट्रेन कैसे आएगा टू इन टू डीएसएर एंड फिर हम लोग मोर्टलिटी प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बोलो ठीक है प्रॉफिट आ रहा है अपने को फिर कमेंट करने बोला है अब देखो ये कौन सा टाइप का पॉलिसी है प्योर एंड पॉलिसी है इसमें अगर कोई मरा तो पार्टी राइट right? हम लोगों को क्या चाहिए हम लोगों को क्या चाहिए एक्सपेक्टेड डेट कितना है 317 सौ सत्रह इंटू क्यू फिफ्टी फोर कितना आ रहा है बताइए पहले ये जो है जल्दी बैठ ये जो एक्सपेक्टेड डेथ जो है अपने को क्या चाहिए कि एक्सपेक्टेड डेथ से ज्यादा लोग मरे अगर एक्सपेक्टेड डेथ से ज्यादा लोग मर मरे मतलब अपने को फायदा है प्योर एंड डॉमेट नो दिनिफिट सो हायर द एक्सपेक्टेड लीज टू हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट द कमनी एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट थ्री बट दोली आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है अपना वन पॉइंट थ्री बट हुआ कितना टू सो बेसिकली दि अ गुड साइन इसीलिए हम लोग को मोटालिटी प्रॉफिट हो रहा है ठीक है माना ये पेपर हंड्रेड वाला पेपर है आओ इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन टेन इसके बाद अप्रैल ट्वेंटी वन करेंगे लास्ट क्लास मैंने क्या कराया था जो एक जो क्वेश्चन आंसर वाला था उसमें क्या क्या कराए थे हम अरे नहीं तेईस और बाईस पूरा करा दिए थे क्या उसमें मैंने ठीक ही ऑर्डर में जा रहे हैं इक्कीस चल रहा है फिर बीस फिर उन्नीस हो आओ द टेबल बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल दैट इज करेंटली यूज टू मॉडल डेथ्स ंग फॉर अ लार्ज कंपनी इन द हॉस्पिटल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री नो ड्रीमेंट ऑककर अदर दैन बाय दे ठीक है यह सब दे दिए द एनुअल इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ मोटैलिटी फॉर एन एम्प्लॉई इज नाउ सिक्सटी परसेंट ऑफ दैट एम्प्लॉइड बाय द क्यू एक्स समझ गया ना तो क्यू से पहले म्यू निकालेंगे क्यू से पहले म्यू निकालेंगे फिर म्यू को सिक्सटी परसेंट करेंगे और फिर उसके हिसाब से वापस से सारा एनुअल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रड्रोवल फॉर एम्प्लॉइज इज नाउ टू फिफ्टी परसेंट ठीक है सो बेसिकली कैलकुलेट रिवाइज ठीक है इंडिपेंडेंट फोर्सेज ऑफ मोर्टेलिटी इन विद्रोवल इज टू सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर एज फोर्टी सेवन कंस्ट्रक्ट द रिवाइज मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल तो देखो इसमें चक्कर है एक्चुअली ए डी दिया है ए डी दिया है तो तुम सबसे पहले म्यू निकालेगा म्यू से फिर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्ट हाँ? भी तो निकाल सकते हैं क्यू से डी से भी कर सकते हैं देखो विड्रॉल वाला देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सो so, विड्रॉल में आपने सबसे पहले निकालेंगे म्यू फोर्टी सेवन डब्ल्यू सो ये जो अपना आएगा ए डी फोर्टी सेवन डब्ल्यू होल डिवाइडेड बाय ए डी फोर्टी सेवन डी प्लस ठीक है माइनस एल एन ए पी फोर्टी सेवन फिर हम लोग निकालेंगे क्यू फोर्टी सेवन डब्ल्यू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस म्यू फोर्टी सेवन डब्लू सो ये आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख दे रहा हूं जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो वन वन डबल एट फिर इसका हम लोग करेंगे टू पॉइंट फाइव तो ये आएगा जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव टू सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव टू नाइन सेवन जीरो मैंने जैसा बोल रहा अगर वैसा नहीं करेगा तो फिर नंबर नहीं मिलेगा सिक्स सिग्निफिकेंट मतलब सेवन फिगर्स सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब सेवन फिगर्स लिखना है देख लो सब में जीरो पॉइंट जीरो सेवन फाइव टू नाइन सेवन जीरो ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे टेबल बुक से क्यू देख के म्यू निकालेंगे राइट फोर्टी सेवन का हम लोग क्यू देखेंगे और क्यू से म्यू कैसे निकालते है? क्या फॉर्मूला बताओ क्यू से म्यू कैसे निकालते हैं म्यू फोर्टी सेवन डी क्यू फोर्टी सॉरी म्यू फोर्टी सेवन ई एल टी फिफ्टीन फीमेल बोला है ना तो म्यू फोर्टी सेवन डी इज वॉट माइनस एल एन वन माइनस क्यू डी ये जो आ गया और ऊपर वाला से म्यू भी निकालना था अपने को यहां से ये तो अपना जो है क्यू आया ना फिर इससे निकालेंगे म्यू फोर्टी सेवन डब्लू इज माइनस एल एन वन माइनस क्यू फोर्टी सेवन डब्ल्यू ये कैसे आ रहा समझा माइनस म्यू टू दी पावर लेके जाएंगे यही म्यू निकालेंगे ना म्यू से नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना मतलब अगर हम लोग को रिवाइज कोई एक भी होगा तो भी तो दोनों का निकालना पड़ेगा अगर मान लो कोई एक में रिविजन होता है तो दोनों का म्यू नहीं निकालेगा तो फिर टेबल दोबारा कैसे बनेगा विल यू रिकंस्ट्रक्ट द टेबल बेस इज म्यू ओनली ना तो म्यू से ही तो ए क्यू निकालेगा म्यू से ही तो ए क्यू निकालेगा तो अगर एक का भी रिविजन होता है तो दोनों का चाहिए होता है मेरे को किससे डी नहीं पहले डब्ल्यू का बात करो डब्लू का ठीक है म्यू निकल गया हाँ आप बोलो क्यू देख के म्यू तो निकालना ही पड़ेगा और म्यू में चेंज हुआ है <laughs> म्यू में चेंज हुआ अब इसका सिक्सटी परसेंट बोल रहा है इसका सिक्सटी परसेंट बोल रहा है अब दोनों का मेरा म्यू निकल गया फिर अब मैं निकालूंगा ए क्यू फोर्टी सेवन डी नया वाला से तो सारा न्यू यूज होगा म्यू फोर्टी सेवन डी बाय म्यू फोर्टी सेवन डी प्लस म्यू फोर्टी सेवन डब्ल्यू वन माइनस ई टू दी पार माइनस म्यू फोर्टी सेवन डी प्लस म्यू फोर्टी सेवन डब्ल्यू हाँ बोलो किया तो बेटा यहां पर ये तो रहा दोनों अलग अलग चीज बोला है हम लोग को बोला है द एनुअल इंडिपेंडेंट फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी इज नाउ सिक्सटी परसेंट ठीक है सो फोर्स ऑफ मोर्टालिटी ये हो गया तो इसीलिए यहां पर म्यू में किया यहां पर म्यू निकाल के फिर उसमें सिक्सटी परसेंट किया और फिर दूसरे वाले के लिए बोल रहा है द एनुअल इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सो इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी में ए नहीं होता है ए मतलब ही डिपेंडेंट हो जाता है ए मतलब ही डिपेंडेंट हो जाता है तो मैंने इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ विद्रॉल निकाल के फिर उसका टू किया मैंने ठीक है सिमिलरली ए क्यू जैसा निकला वैसे हम लोग क्या निकालेंगे मैंने डी निकलाई है फिर सिमिलरली डब्ल्यू निकालेंगे राइट right, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोगों को कुछ कुछ कंसर्न पूछा है आइडेंटिफाई एनी कंसर्न विद यूज ऑफ दिस रिवाइज मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल टू मॉडल द फ्यूचर डेथ्स एंड विद्रॉल्स कंसर्न विद यूज ऑफ रिवाइज मल्टीपल डेक्रीमेंट टेबल द पॉपुलेशन इन द फ्यूचर में बी डिफरेंट टू द पास्ट पॉपुलेशन नो अलाउेंस इज मेड फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स इन मोर्टेलिटी और कंपनी इनिशियटिव रेड्यूस विद्रॉल्स देर में ग्रुप इवेंट तुम समझा अल्टीमेटली हुआ क्या है बोलता है मोर्टैलिटी जो है डेथ की वजह से उसको आप घटाइए एंड जो विदड्रॉल का जो प्रोबेबिलिटी है उसको बढ़ाइए तो बोलता है कंपनी ने क्या मेजर्स लिया अपने कंपनी में विड्रॉल को कम विदड्रॉल मतलब क्या आपने पॉलिसी से विद्रॉ कर लिया राइट सो वही बोल रहा है कंपनी इनिशियटिव रेड्यूस विद्रॉल्स देर में ग्रुप इवेंट्स वर्क फॉर वर्क प्लेस फॉयर आउट ब्रेक ऑफ कोविड इन द फ्यूचर बट इट नॉट अकोर इन दिन पीरियड मैंने बोलना चाहता आपने जो 60 परसेंट जो ड्रास्टिकली जो घटाया है इसके पीछे का लॉजिक क्या है फिर बोलते इन्वेस्टिगेशन एस्टिमेट में नॉट बी एक्ट इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब जो थियरी है ना ये थियरी नहीं ये सब आएगा एग्जाम में और यही तुम लोग को पास कराएगा एग्जाम में ये छोड़ दिया मतलब तुम लोग का अटक जाएगा अगर सारा कमेंट छोड़ दिया मतलब 50, 52 ऐसा टाइप में अटक जाएगा ये सब रीड करना पड़ेगा बार 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 बार, बार रीड करना पड़ेगा द एजम्स अंडरलाइंग द कैल्कुलशन इन पार्ट वन मे नॉट बी वैलिड द न्यू टेबल इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दी ओरिजिनल टेबल ठीक है अदर वैलिड पॉइंट ऑन वाई यूजिंग द पास्ट टू मॉडल द फ्यूचर मे नॉट बी वैलिड ठीक है अब मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं ये वाला क्वेश्चन बना लो ये लास्ट वाला क्वेश्चन फटाफट से बना लो ठीक है फिर हम लोग अप्रैल ट्वेंटी वन करेंगे हाँ ये वाला क्वेश्चन बना लो तुम लोग फटाफट अभी बना लो दस मिनट के बाद फिर अप्रैल ट्वेंटी वन करेंगे